अच्छा जी, आज हम इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि अपनी सिलेक्शन के हवाले से, ठीक है। ये हमने पहले लास्ट टाइम लेक्चर में कर लिया था, रेक्टेंगल मार्क क्यू, एलिप्स मार्क क्यू। अब करेंगे हम लोग उसके बाद फर्दर। अब मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं, ठीक है जी। न्यू लेयर लेने के बाद आपके पास है यहाँ पर सिंगल रो मार्की या सिंगल कॉलम मार्की। सिंगल रो मार्की को आप क्लिक करो, किसी जगह पे आप क्लिक कर दो तो आपको एक लाइन ड्रॉ मिल जाएगी। इस लाइन को आपने कलर देना है, कोई भी कलर दे दो जो आपको समझ आता है। ऑल्ट बैकस्पेस करो, ये आपने कलर दे दिया। इसको कलर नजर नहीं आ रहा तो व्यू में सेलेक्ट में जाके कर दो डिसलेक्ट। जब व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन करो तो ये आप देखोगे कि आपको ये लाइन शो कर रहा है इस तरह से। कंट्रोल डी डिसलेक्ट कर दी ना हम लोगों ने इसको। उसके बाद अब इसी तरह मुझे फर्दर लाइंस चाहिए इसकी। फर्दर अब मैं इस यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ। ये यहाँ से फोल्डर बनाया मैं। इस लाइन को ड्रैग करके हम इस फोल्डर में डाल देते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल। फोल्डर के अंदर मैंने एक लाइन कॉपी कर दी। अब मुझे फर्दर लाइंस चाहिए इसके रेलेवेंट। आप क्या करो, अब चूंकि ये काम है बारीकी वाला, लेयर को सेलेक्ट करो। यहाँ से लो, ये लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिए वाले, ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ मूव टूल। मूव टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दिया। ऑटो सेलेक्ट लेयर को मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ से मूव टूल लिया है। मूव टूल इसलिए लिया कि मैंने इसको मूव करके मैंने आगे फर्दर इसकी कॉपियाँ बनानी है। अब ये लेयर सेलेक्टेड है, यहाँ ऑल्ट को पे कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करो और यहाँ से ड्रैग करके उसको नीचे ड्रॉप कर दो आप। फिर ऑल को ड्रैग करो आगे फर्दर कॉपी जनरेट कर। आपको देखो उसके जो डायमेंशन है आपको शो कर रहा है कि ऊपर भी 63 पिक्सल का गैप है, नीचे भी 63 पिक्सल का गैप है। फिर ड्रैग करो उसको और दूसरे देखो दूसरी साइड पर आपको वो उसकी कॉपी शो कर रहा है, सारा लेयर्स की अलग अलग कॉपीज। जैसे उस फासले के बराबर होता है आपको कॉपी शो कर देते हैं ऐसा। पहले इससे पहले वर्जन में इस तरह से नहीं था। ऑल्ट को क्लिक करो ये कॉपी, फिर ऑल्ट को क्लिक करो ये कॉपी। इसमें से आप पहले हम इसको बैलेंस हमें करना पड़ता था इसको। पहले सेट बन गया हमारा। इस सेट को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा सेट क्लोज हो गया, ये मैं यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। ये ग्रुप हो गया। फिर मैं एक और ग्रुप बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ वर्टिकल। ठीक हो गया। फिर अब नई लेयर लेते हैं, उसमें जाके यहाँ से मैं लाइन लूंगा सिंगल कॉलम मार्क। अब मैं कॉलम मार्क की ले रहा हूँ फॉर द वर्टिकल लाइंस। फिर यहाँ पे आप क्लिक करो और तो आपने यहाँ रेड कलर फिल कर दिया। समझ आई? कंट्रोल डी डिसलेक्ट, आपकी ये लाइन सेलेक्ट हो गई। थोड़ा सा बेशक आप आगे ले जाओ मूव टूल से। अब यहाँ से सिंगल ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑफ है। मूव 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 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरी लेयर सेलेक्टेड है। आप ऑल्ट को प्रेस करके इसकी आगे कॉपी जनरेट कर दो। नेक्स्ट 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 69 पिक्सल्स की आपकी एक एक लेयर बन रही है आपकी। और ये ऊपर नीचे बन रही है क्योंकि उसका ना स्पेस में फर्क, स्पेस में नहीं उसकी वर्टिकल हाइट में फर्क आ रहा है। अब ये देखो यहाँ से ये लाइनें थोड़ी नीचे आ गई है, ये ऊपर है। उसका हल क्या है, आप ये पहली लेयर को सेलेक्ट कर लो, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कर लो, इसी ड्रैग करके लेयर को नीचे आओ और एंड वाली को फर्स्ट प्रेस कर दो जो जो स्टार्ट था, तो दरमियान में सारी सेलेक्ट हो रही है। या इसको क्लिक कर लो पहले। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा तो इन लेयर्स को मैं रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसको मर्जी चाहूँ। अगर मैं नीचे वाली को सेलेक्ट करके शिफ्ट को प्रेस करता हूँ फिर सबसे टॉप वाली को क्लिक करूंगा, दरमियान वाली सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ऊपर वाली को शिफ्ट से प्रेस करना तो आपको सारी सिलेक्ट हो जाएंगी लेयर्स। ठीक है, जब सिलेक्शन हो गई है
तो फिर मैं ये जो ऊपर मेरे पास डायमेंशन आ रही है ये वाली, यहां से इनको मैं अलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें हम लोग अब लेयर में ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये वाली ये लाइन ये ऊपर, इसमें गैप आ रहा है। आप लेयर में जाके आपने ये लेयर सारी सिलेक्ट की पहले, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास अलाइनमेंट्स आ रही है। इन अलाइनमेंट्स में अगर मैं, मैंने जो वर्टिकल लाइंस है इनका मैंने स्पेस बराबर करनी है, मेरे पास स्पेस ऑलरेडी बराबर है। अगर इसको चेक भी करूँ यहाँ से, स्पेस बराबर है। अब ये मैं इसको किया अलाइनमेंट, सारे एक लाइन में हो गए। अब एरो की से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको, क्योंकि ऊपर टॉप पे लगे ना, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ये देखो, ये देखो। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल मेरी ये लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस। मैंने एरो सेलेक्ट करके ना, मैंने यहाँ से इनसे लाइन इनसे सीधा कर लिया था यहाँ से मैंने, ये जो आपका अलाइन वर्टिकल, उससे मैंने वर्टिकल लाइन कर ली है, उसने उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके उनका जो बैलेंस बराबर कर दिया। फिर मैंने एरो किसी ऊपर ले लिया। हाँ, अब इसी को इकट्ठा प्रेस करके अगर आप 50 प्रेस करते हो 5, तो उसकी ओपेसिटी अब देखो 20 करता हूँ, ओपेसिटी कम कर रहा है उसकी, 2 कर उसकी ओपेसिटी कम, यानी पूरी पूरी लेयर्स की ओपेसिटी कम हो रही है आपकी, ठीक है, समझ आई। इसी को दोबारा यहाँ से हंड्रेड कर लो, यहाँ से दोबारा कर, ठीक हो गया। ये आपका सिलेक्शन, आपका दोनों चारे कवर हो गए आपके ये वाले। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी लेसर टूल, हमारे लास्ट टाइम हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉप टूल, दिस वन क्रॉप टूल, इससे हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रॉप करना है। अब क्रॉप की सूरत में मुझे कुछ हम सैंपल ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं, मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं चाह रहा हूँ कि ये जो साइडों से वाइट है ये खत्म हो जाए, क्रॉप करना है, क्रॉप करने लगा उसको। नहीं, वाइट ही ब्लैक उसका था जो पीएनजी इमेज हो, जेपीजी कभी होता है। हाँ, जेपीजी वो तो उसका बैकग्राउंड तो ऑलरेडी हमने ब्लैक पर रख शूट किया था ना। नहीं, ये देखो ना, ये तो नई फाइल ड्रॉप की है मैंने, इसका इसका ऑलरेडी वाइट है ना, इसका ये ऑलरेडी फोटो शूट हुआ है इसका। ये इमेज अलग है, ये इमेज अलग है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्रॉप टूल, क्रॉप टूल को क्लिक करके इतने एरिया को मैं क्रॉप कर रहा हूँ। मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, यहाँ से इतना नहीं चाहिए, यहाँ से इतना नहीं चाहिए, मुझे टू बिल्कुल फिट इमेज चाहिए। यहाँ रख के मैं एंटर करूँगा, मेरा इमेज ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस आ रहा हूँ, अगर मुझे ये इसका मुझे डिस्टेंस एक जैसा बनाना है, मुझे इसको सेंटर में करना है, मिसाल में सेंटर में नहीं, मिसाल के तौर पर, तो आप इसको क्लिक करो, आपकी लेयर पहले जी चेक करो कि लेयर लॉक है। जब लेयर लॉक हो, आप क्रॉप करके इसके कैनवस को अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो कलर बैकग्राउंड में होगा वही कलर शो करेगा, जो ये कलर, जो ये बैकग्राउंड कलर है, अब जैसे इंक्रीज करोगे तो आपको वहाँ पे वो कलर शो करेगा। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, अब देखो वो कलर शो करेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को नहीं लेता, हम लोग मसलन मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ये इमेज है, इस इमेज को, अब देखो इसकी ये इमेज की लॉक लेयर लॉक नहीं है, लेयर लॉक नहीं है। अब आप लॉक साइन ये ले लो, क्रॉप, क्रॉप में जाके इसको जैसे ही आप स्पेस इंक्रीज करोगे, आपको पीछे कोई कलर नहीं दे रहा, लेयर लॉक ना होने की वजह से। अगर लेयर आपकी लॉक नहीं है तो लेयर लॉक कैसे कर सकते हैं, इसी को सिलेक्ट करो, लेयर में जाओ, न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, आपकी ये लेयर लॉक हो सकती है।
लेयर न्यू, उसके अंदर जाके बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर ऑटोमेटिकली तो आपकी लेयर लॉक हो जाएगी ये इस तरह से, ये लेयर आपकी लॉक हो गई। अच्छा अब ये लेयर लॉक, लेयर न्यू बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, लेयर लॉक हो गई। अब यहाँ से लो क्रॉप, अब चूंकि कलर नीचे अगर ये वाला कलर है, आप एक कॉर्नर से पकड़ के अगर इसको आप ड्रैग करते हो, ये देखो, या शिफ्ट को पकड़ के करते हो, एंटर करो, छोड़ दो यहाँ पर माउस, चारों साइडों पे आपको ये कलर दे रहा है। आर शिफ्ट के साथ हाँ उसका बेहतरीन हाल ये है कि आपकी लेयर जिसको अनलॉक रखो, अनलॉक करके आप नई लेयर लो, अनलॉक करके पहले नई लेयर ले लो, उस लेयर को नीचे रखो, एक इमेज ऊपर है, अब लॉक को लेकर क्रॉप को लेकर इसको क्रॉप कर दो, ये आपने क्रॉप कर दिया, ये जगह खाली हो गई, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है। अब इसके नीचे आप जो मर्जी रंग डाल दो, आर्ट बैकस्पेस के साथ या कंट्रोल बैकस्पेस के साथ। अगर आपने डबल कलर डालना है तो यहाँ से ले लो ग्रेडियंट, यहाँ रख के ये ले लो आप एंगल ग्रेडियंट, इस कॉर्नर में रख के लाइन यूं ड्रैग करोगे ना, आप देखोगे बड़ा प्यारा इसमें डबल कलर आ जाएगा। हमने क्या किया है, ये ले ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये लेयर नीचे है, हमने नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना, ऊपर वाली को ही करना, फिर हमने यहाँ से लिया ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में अगर आप सिंपल लीनियर लोगे तो आपको वो इस तरह से डबल कलर देगा ऐसे, अगर आप लेते हो एंगल ग्रेडियंट तो एक कॉर्नर से रख के दूसरे कॉर्नर पे ले जाओ तो आपको वो क्रॉस में आपको डबल कलर देगा ऐसे, और जाहिरी तौर पे आपको बड़ी खूबसूरत डिजाइन बन देगा, हालांकि एफर्ट कुछ भी नहीं है। हाँ जस्ट लाइक फ्रेम शेप आपने बना लिया, बस बैकग्राउंड में कलर चेंज कर रेडियल, ये देखो आप इसको ले लो रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड में आ गए। फिर आप ले लो डायमंड लीनियर, ठीक हो गया। इसमें फिर अपडेट कर, अब कंट्रोल जी करके हम वापस आ रहे हैं जीरो स्टेज के ऊपर। जी आप जीरो स्टेज पे आप, अब अगर हम लोग इसी की एक कॉपी बनाना चाहें, कंट्रोल माइनस करो, ये एक लेयर है ठीक है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके न्यू के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ, इसकी कॉपी बन गई कॉपी। अब आप लोग क्रॉप टूल लेकर इसको उतना ही ड्रैग करना है जितनी कि उसकी पहले कॉपी है, ये यानी ये जो सेंटर आपकी लाइन है, सेंटर वाली आपको सेंटर पॉइंट आपको बिल्कुल जैसा हो, यहाँ छोड़ दिया आपने, इसका साइज इंक्रीज कर लिया, इसको उठा के यहाँ रख दो आप। अब क्या करो, एडिट ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अब देखो जिस तरह आप एक इमेज की आपने दो बना दी रिफ्लेक्टेड, जिस तरह एक ही वॉशरूम में दो आपके ऑब्जेक्ट चल फ्लिप किया, ठीक है इसको दोबारा देखो, इसको आपने ये अपने लिया है ऑब्जेक्ट, आपने लिया क्रॉप, अब कभी कॉपी नहीं करते आप, क्रॉप पहले कर लेते हो आप, और आपने वही साइज रखना है जो साइज सेटअप है, ये देखो ना ये क्रॉप ले लो, क्रॉप से आपको देखो ये आपका मिड पॉइंट है ये वाला, ये जो साइन ये सिंबल है जो आप इसको बेशक इस तरफ ले जाओ, और ये जो मिड पॉइंट आपका जहाँ पे आएगा ना यहाँ पर, ये
हो रहा आपका ये, इस जगह रख के छोड़ दो। अब इसको लो, आर्ट प्रेस करके ड्रैग करके ड्रॉप करो, न्यू के ऊपर कॉपी बन गई, इसको उठा के इधर रख दो। आप दूसरा आप एक और तरह से भी कर सकते हो, आपने क्रॉप किया है, क्रॉप ले लो, इसको ड्रैग करो, और ये जो मिड पॉइंट है ना आपका, ये बजाय यहाँ रखने के या यहाँ रखने के, अब इसको यहाँ रखो बिल्कुल मिड में ये। अब इसको ड्रैग करके आर्ट को प्रेस करके कॉपी कर लो, इसकी आर्ट से कॉपी हो जाती है ना ऑब्जेक्ट की, आर्ट को प्रेस करके कॉपी नहीं होते हैं, लास्ट टाइम शेप्स को नहीं करते थे हम लोग, वही चीज है। आर्ट को ड्रैग करो तो ये इसकी कॉपी जनरेट होगी, या लेयर को ड्रैग करके न्यू पे ड्रॉप कर दो फिर भी कॉपी हो जाएगी, दोनों मेथड है। इसको यहाँ रखो, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके थोड़ा सा गैप पूरा कर लो जो रह गया। अब ऊपर वाली इमेज को सिलेक्ट करो, फिर एडिट में जाओ, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये लिख लो इसको। आपने इसको जाना एडिट, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आपको ऑब्जेक्ट फ्लिप कर जाएगा, तो फर्स्ट लुक में लगेगा कि कोई एकदम पैरेलल ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है, इसको यहाँ से उठाओ, इस साइड पे ले आओ, इसको उठा के इस साइड पे ले आओ, ये ऑटो सेट को ऑन करो, ये देखो मैंने ऑफ किया हुआ था, ये ऑन किया है यहाँ से। अब इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, फिर इसको उठा के यहाँ रखा, अब कुछ और ही सीन बना। फ्लिप हॉरिजॉन्टल समझ आए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर आप इसको फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हो, ये वर्टिकल है। एडिट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों कर सकते हो। इसको इतने एंगल पर रोटेट भी कर सकते हो, 90 क्लॉकवाइज एंड 90 काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट, अगर 180 पे रोटेट करोगे तो आप किस तरह से रोटेट कर रहे हो, बिल्कुल ये रोटेट। अगर इसको करते हो आप क्लॉकवाइज 90 पर, एडिट ट्रांसफॉर्म, या रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट खड़ी के साथ, अक्सर जब इमेज आप स्कैन करते हैं शूट करते हैं ना रखे बाल, तो इमेज आप फिर रोटेट कर जाते हैं, उनको घुमाने के लिए करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी क्रॉप टूल। इस इमेज में से ना इसको निकालने के दो तीन तरीके, इस सब्जेक्ट को अलग से निकाल के लेके जाना चाहिए दूसरी लेयर के अंदर। एक तो ये कि आप मैजिक वैंड टूल के अंदर जाके आप कलेक्ट करते हो, सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये बात, इसको आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट के राउंड आपने एक रेक्टेंगल लगा देना है इस तरह करके। जैसे माउस को आप छोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग के बाद वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा कलर के अलावा, ये इसकी ना अभी प्रोसेसिंग कर रहा है उसे, ये देखो अब उसने इतने हिस्से को इसमें ये भी डिसलेक्ट कर दिया, ये नहीं लिया उसने, इसको सिलेक्शन के अंदर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ से लेसो, फिर शिफ्ट को प्रेस करके इसको इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ये सिलेक्शन से बाहर जा रहा था। अब आप इधर आ जाओ, इसको यहाँ से पकड़ो कंट्रोल सी, और अपने लेयर में आके अपने जो ऑब्जेक्ट है वहाँ लाके कंट्रोल वी कर, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है उसका। इसका अगर साइज चेक करो, इमेज साइज 3718, इसको बेशक आप कर दो जनाब 800, उसकी सिलेक्शन ही खत्म हो गई, इसलिए तो टाइम ले रहा था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में। ये आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको सिलेक्शन उसे दे देता है, ये सिलेक्शन हो गई आपकी। अब मूव टूल ले लो, इसको यहाँ से कॉपी करो
और अपनी फाइल दूसरी फाइल में जाके इसको पेस्ट कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब एक नीचे वाली लेयर ये है, यहाँ पर नीचे आप कोई भी रंग अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट की लेयर बनाने के लिए। ठीक है, आपने कलर लेना और यहाँ से आई ड्रॉपर से आप कलर ले लो, आपने ये कलर ले लो, आप ये डाल दो, बेशक ये डाल दो, डबल डालना है ग्रेडियंट में जाके ये डाल दो। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन समझ आ गई जी आपको। उसके बाद हमारे पास है जी मैजिक वैंड एंड क्विक सिलेक्शन। अब मैं यहाँ से ये इमेज ले रहा हूँ, एक यहाँ से मेरे पास कुछ क्लाइंट का डाटा पड़ा हुआ है, उस पर मैं कर रहा हूँ आपको मैजिक वैंड। आप इसको व्यू में जाके इसको कर दो 100%, तो आप देखोगे आपको बहुत ही बड़ा साइज आपको दे रहा है, छोटा साइज चाहिए। हाँ, इमेज साइज 7360, बहुत बड़ा साइज, इसको 1000 ले लेता हूँ। कंट्रोल 0 करो। अब हमने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है मुझे ये सिलेक्ट करनी है, ये बैकग्राउंड आप ले लोगे मैजिक वैंड को, मैजिक वैंड यहाँ इसका टॉलरेंस है, टॉलरेंस में इसका प्रेशर अगर मैं करता हूँ 5, तो यहाँ क्लिक करो तो आप देखोगे बिल्कुल थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट हुआ है, जैसे एक डॉट। अगर इसी को मैं 5 को 50 कर देता हूँ, आप क्लिक करो, आप देखो उसने काफ़ी एरिया सेलेक्ट कर दिया। इसको अगर मैं कम करता हूँ 30% करता हूँ, 30 टॉलरेंस, आप शिफ्ट को प्रेस करके आप इनको ऐड कर सकते हो। हम शिफ्ट से ऐड करते थे ना हम लोग, शिफ्ट से ऐड, आर से माइनस, तो आपने उसने एरिया को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, किसकी वजह से, मैजिक वैंड की वजह से। 30 कर लो, डिपेंड करता है, मैं अगर ज़्यादा करूँ हो सकता है वो साथ में लूँ इसको और इसको भी ले ले साथ। अगर मैं करूँ क्विक सिलेक्शन, तो क्विक सिलेक्शन से जस्ट आपने माउस यहाँ मूव करते जाना है, वो खुद ही सिलेक्शन ले रहा है, ये देखो ये ज़्यादा ले लिया, ऑल्ट को प्रेस करके इतना हिस्सा माइनस कर दो, ये देखो दिस इज क्विक सिलेक्शन, ये ज़्यादा आ गया, ऑल्ट को प्रेस करके इतना हिस्सा माइनस करो इसमें से, फिर शिफ्ट के साथ फिर ऐड करो, ये भी ज़्यादा आ गया। तीनों की समझ आई? सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, फिर क्विक सिलेक्शन, फिर मैजिक सिलेक्शन। ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से हम लोग जस्ट ऑब्जेक्ट को हमने रेक्टेंगल उस पर लगाया, उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। मैजिक वैंड टूल से आपने एक दफ़ा क्लिक किया है टॉलरेंस के हिसाब से, फिर आपने शिफ्ट को प्रेस करके ऐड करते गए उसके तरफ। थर्ड आपके पास है क्विक सिलेक्शन, उससे आपने क्लिक करके आपको साथ साथ कलर उसी कर सेम कलर में ड्रैग करते गए हो, उसने सिलेक्शन कर दिया है। अगर कुछ ज़्यादा हो गई तो आर से माइनस कर देना है, अगर कम हुई तो शिफ्ट से उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो देखो तीनों टूल अपने पास। अब ये वाला एरिया यहाँ पर रह गया, आप सिलेक्शन टूल से मैजिक वैंड टूल से ले लो, बेशक शिफ्ट को प्रेस करके ये भी सिलेक्ट कर दिया। और अगर आपका सिलेक्शन टूल होता, क्विक सिलेक्शन होता, फिर आपको शिफ्ट को प्रेस किए बगैर भी कर सकते हैं इसको आप। अब आप यहाँ से एक नई लेयर लो, नई लेयर लेकर यहाँ पर कौन सा कलर डालना है, ड्रॉपर से ये ड्रॉपर को क्लिक करो, इसी के ऊपर से कलर ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो भी ले लो आपको अच्छा लग रहा है। ऑल्ट बैक स्पेस करो, इतने समय सिलेक्शन हो गई है कंट्रोल, क्योंकि तो उसकी पूरी इमेज की लुक ही चेंज हो गई है। ये आपको नई लेयर इसलिए ली है ताकि अगर ना पसंद आए तो इसको आप दोबारा चेंज कर सकते हो। अगर मुझे दोबारा चेंज करना है इसको, इसी को सेलेक्ट करके अगर मैं रंग प्रेस को करूंगा ऑल्ट बैक स्पेस को, तो पूरे के ऊपर ओवरलैप कर देगा। हमने अब यहाँ क्या करना, हमने
हमने कंट्रोल को प्रेस करना है और इस लेयर के आइकन पे क्लिक करना है, ऐसे उस ही हिस्से को रीसिलेक्ट करेगा वो। कंट्रोल क्लिक ऑन द लेयर आइकन दैट विल रीसिलेक्ट द सिलेक्शन इफ द लेयर इज इन न्यू लेयर सेपरेट लेयर, इन सेपरेट लेयर में आपका काम है। यानी कंट्रोल क्लिक ऑन द लेयर आइकन दैट विल रीसिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आगे आप ये लिखो क्लोन, किया है आपने पहले क्लोन क्लोन स्टैंप टूल, एक क्लोन स्टैंप टूल है एक पैटर्न स्टैंप है, फिलहाल आपने क्लोन करना है। ये मुझे धागा नहीं चाहिए यहाँ पर, इसके साथ आपने यहाँ से लेना है क्लोन स्टैंप टूल। क्लोन स्टैंप टूल के आपको भी उसका ब्रश नजर नहीं आ रहा, आपने कीबोर्ड से अपना कैप्स लॉक है ना वो ऑफ करना है। कैप्स लॉक मेरा ये ऑन ऑफ है, ये ऑन। अब उसको जो आपके कीबोर्ड पे ना स्केयर ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट्स हैं, ये स्केयर ब्रैकेट से साइज इसका बड़ा हो रहा है और स्टार्ट ब्रैकेट से साइज छोटा हो रहा है। ब्रैकेट्स क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, कैप्स लॉक आपको ऑफ होना चाहिए। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा ये ब्रश नजर नहीं आएगा। कैप्स लॉक ऑन ऑफ, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे इसको यहाँ से ख़त्म करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब से कलर लेंगे हम लोग। तो क्लोन स्टैम्प से मुराद है कि आप यहाँ पर ऑल्ट क्लिक करके कलर फेच करते हो, फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप जस्ट अपने माउस मूव करते जाना है, तो वो जो प्लस का साइन है वो बता रहा है कि यहाँ से कलर आप उठा रहे हो और दूसरी जगह पे कलर लेके जा रहे हो। दिस इज क्लोन स्टैम्प। ऑल्ट क्लिक टू फेच द कलर। अच्छा, इसमें हम लोग क्लोन स्टैम्प यूज करके देखते हैं। क्लोन स्टैम्प आपने इसे देखा, अब ये लास्ट जो कलर दूसरी तस्वीर से उठाया था ना, यहाँ पे वो शो कर रहा है। कंट्रोल नहीं करो, अब मुझे इसको ब्रश का साइज छोटा करो, मुझे यहाँ से कलर लेना है। ऑल्ट क्लिक, अब मैं जस्ट इसके ऊपर रख के ड्रैग करता जाऊँगा, वो देखो उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब इसी को क्लिक करके आपने यहाँ से कलर उठा के यहाँ नहीं लगाना, यहाँ से उठा के यहाँ नहीं लगाना, वो एग्जैक्ट उस टाइम आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपने इसको बिल्कुल करीब वाले चीज ऑब्जेक्ट से कलर लेना, ये दो डॉट्स नहीं चाहिए। ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट इसके पास से लेना है, यहाँ से स्टैम्प को ऑल्ट क्लिक। अच्छा, मेरे मॉनिटर पे बना उस पर है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक मेरे पास आ रहा है क्लोन स्टैम्प का, क्लोन स्टैम्प की समझ आई आपको? अच्छा, जो पैटर्न स्टैम्प है ना, ये जरा तो इसे डिफरेंट भी है, उसको भी नहीं कराऊंगा मैं आपको। मैं पैटर्न स्टैम्प अभी आप ले लो, स्पॉट हीलिंग, स्पॉट हीलिंग इसके ऊपर वाले बार में। स्पॉट हीलिंग क्या करता है कि वो इसमें कलर फेच नहीं करना पड़ता, जहाँ कोई स्पॉट बना हुआ है ना, उस स्पॉट को आप क्लिक करते हो तो ये सराउंडिंग से अपने चारों तरफ से कलर उठा कर दरमियान में थ्रो करता है, चारों तरफ से कलर उठा के तो ये थ्रो दरमियान में करता है। अब ये मेरे पास है इसमें स्पॉट हीलिंग, इसको आप क्लिक करो और मेरे पास ये इमेज का साइज है, इसको एच को प्रेस करके इधर ले आओ, मुझे ये नहीं चाहिए। आप स्पॉट हीलिंग को ले लो, ये आपका ब्रश है, इसको थोड़ा सा बड़े साइज में कर लो, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना कर लो। जब मैं क्लिक करूँगा तो इस हिस्से में अपने चारों तरफ से कर उठा के दरमियान में थ्रो करेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और कंट्रोल जी करो, अगर मैं लेता हूँ क्लोन स्टैम्प को, क्लोन स्टैम्प को लेता हूँ, क्लोन स्टैम्प से इसके साइज का मैं ब्रश लेता हूँ,
कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो ये सेम मुझे यहाँ भी मिल जाएगा, सेम यहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा अब ये उस जगह सेम नहीं जा रहा, मिल रहा, ये मेरे पास एक ऑप्शन है अलाइन, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब अगर इसको मैं क्लिक करके दोबारा कलर उठाता हूँ, अब हर अगली जगह पे जब क्लिक करूँगा तो वो उसी वर्ड को शो कर रहा है हर जगह पे क्लिक कर सकते, क्योंकि उसकी बेस वही पहले वाला पॉइंट होता है। अगर अलाइंड मैंने ऑफ कर दिया, अगर अलाइन मैंने ऑन किया है, फिर मैं दोबारा यहाँ से ऑब्जेक्ट में लूँगा तो एक जगह बनाएगा, उसके बाद आगे वो प्लस का साइन चुके उसके ऑब्जेक्ट से बाहर चला गया, वो वहाँ से उसको कॉपी कर रहा है, तो आगे नहीं बनाएगा। अब ये सारे मैंने ख़त्म करने हैं। ये मेरे पास यहाँ पर टूल है जी हिस्ट्री ब्रश टूल, इससे हम लोग ये सारी हिस्ट्री इरेज कर सकते हैं। दिस इज हिस्ट्री ब्रश टूल।